लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया उससे उसके हौसले बुलंद है। लोकसभा चुनाव में सपा देश में तीसरी बड़ी पार्टी बनी। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं आपको बता दें कि अब सपा की नजरें बाकी प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। यूपी की तरह बाकी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सपा महाराष्ट्र में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर राज्य में पार्टी को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में सपा के अभी दो विधायक हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार सपा आगामी चुनाव में कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित है। पार्टी अब महाराष्ट्र में भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहती है। यही वजह कि पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 37 वाला दांव चलकर महाविकास अघाड़ी MVA पर दबाव बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों के महाराष्ट्र दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते अवधेश प्रसाद दौरे में नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे। पार्टी के सांसदों ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के साथ मुंबई मणि भवन संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी चीजों को देखा। इसके बाद चैत्य भूमि पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के दौरान इंडिया गठबंधन की सहयोगी सपा को अधिक हिस्सेदारी देकर वह सम्मान देंगे जिसकी वह हकदार है। भिवंडीपुर से सपा विधायक रईस शेख ने BJP, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रागांपा पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA के घटक दलों में शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, रागांपा, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस शामिल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम अब साझेदार बन रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की नींव समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है। अगर अखिलेश यादव जी कुछ कहते हैं तो इंडिया का कोई भी नेता मना नहीं कर सकता। हमें उतनी सीटें मिलेंगी जितने के हम हकदार हैं। हम वह सम्मान चाहते हैं जिसके हम हकदार हैं। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। शेख ने कहा कि हम सिर्फ दो विधायक हैं, लेकिन हम 100 विधायकों को मात दे सकते हैं। हमारे 10 विधायक 288 पर भारी पड़ेंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल सपा ने महाराष्ट्र में किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती थी, जिससे BJP को झटका लगा था। महाराष्ट्र में उसके केवल 2 विधायक हैं और वो दोनों ही मुस्लिम समुदाय से हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार MVA महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कितनी सीटें इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देती है।